मदेना परिवार की सियासत को आगे बढ़ाने वाला वो चेहरा जो अपनी बेबाकी के लिए पहचान रखती है। मारवाड़ की सियासत में जाट समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला परिवार और एक दौर में प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा रहा परिवार। एक ऐसी नेत्री जो जब बोलती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर देती है और बेबाकी ऐसी कि किसी के खिलाफ बोलने से डरती नहीं। नाम है दिव्या मदेना। वर्तमान में जोधपुर जिले की ओसिया विधानसभा सीट से विधायक दिव्या मदेना कहती हैं कि सियासत परिवार से सीखी है। दादा के कदमों पर चलते हुए समाज के विकास के लिए तत्पर रहती हैं और कांग्रेस की युवा नेत्री हैं। राजस्थान की राजनीति में विशेषकर कांग्रेस में एक उभरती नेत्री भी हैं। दिव्या मदेना भले ही राजनीति में नहीं है मगर मदेना परिवार राजस्थान की राजनीति में कई दशकों से जुड़ा हुआ है। एक समय मदेना परिवार का राजस्थान की राजनीति में वर्चस्व रहा करता था। दिव्या मदेना के दादा उनके माता पिता राजनीति में हैं। उनके पिता राजस्थान की कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दिव्या का जन्म 25 अक्टूबर 1984 को जोधपुर जिले में हुआ। दिव्या के पिता का नाम महिपाल मदेना और माता का नाम लीला मदेना है। पिता महिपाल मदेना राजस्थान के कांग्रेस की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पिता महिपाल मदेना की 2021 में मृत्यु हो गई। दिव्या मदेना की मां लीला मदेना भी सक्रिय राजनीति में है। वर्तमान में जोधपुर जिला प्रमुख के पद पर है। दिव्या मदेना के दादा परसराम मदेना भी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। वो भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। दिव्या की एक बहन भी है। दिव्या का धर्म हिंदू और जाति जाट है। दिव्या मदेना ने 2004 में पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र से बीए किया। दिव्या मदेना ने पढ़ाई के बाद से ही सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया था। चूंकि दिव्या मदेना राजस्थान की राजनीतिक घराने से आती है और उनके परिवार का राजस्थान की राजनीति में दबदबा रहा है, इसीलिए दिव्या को राजनीति की पाठशाला घर से ही प्राप्त हुई। दिव्या मदेना की राजनीतिक यात्रा पढ़ाई के तुरंत बाद 2010 से आरंभ हुई। साल 2010 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जोधपुर का चुनाव लड़ी और जीत गई। 2018 के ओसिया से विधानसभा का चुनाव लड़ी और जीत कर विधानसभा पहुंची। 2021 में दिव्या को आदर्श युवा विधायक का सम्मान भी दिया गया। दिव्या मदेना का राजनीतिक सफरनामा छोटा है लेकिन जिस परिवार से वो आती है उस परिवार की सियासत बड़ी है और दिव्या इस परिवार की तीसरी पीढ़ी है। दिव्या न सिर्फ मुख्यमंत्री पर हमले करने से नहीं चूकती बल्कि विधानसभा में अपने ही मंत्रियों पर बयानों और सवालों की ऐसी बौछार करती है कि हर कोई दंग रह जाता है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी दिव्या की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वर्तमान में माना जाता है कि गांधी परिवार के बेहद नजदीक हैं।